हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जियो फोन में कॉलर ट्यून आप फ्री में कैसे डाल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले एक चीज़ समझ लीजिए, मैं स्मार्टफोन की बात नहीं कर रहा हूँ, जियो फोन का बात कर रहा हूँ। ठीक है, जियो फोन में आप कॉलर ट्यून कैसे लगा सकते हो उसका बात कर रहा हूँ। अगर स्मार्टफोन में आपने जियो का सिम यूज किया है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि जियो फोन में कैसे लगाओ, जो 1500 का मोबाइल मिलता है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। आपके बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज ये प्रॉब्लम जो है आपका मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लगातार आपके कमेंट्स पर मैं वीडियो बनाता ही रहता हूँ, तो यहाँ पर जो है लाइव आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे जियो फोन में जो है कॉलर ट्यून आप सेट कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि कॉलर ट्यून क्या होता है, पहले मैं बता देता हूँ। कॉलर ट्यून का मतलब ये होगा, जब कोई व्यक्ति अगर आपके मोबाइल पर फोन कर रहा है तो उसको कॉलर ट्यून सुनाई देगा जो आपने सेलेक्ट किया होगा। मान लीजिए कोई गाना है जो आप जिसको आप बहुत पसंद कर रहे हो, अगर आप सेट कर दोगे तो कोई भी व्यक्ति आपको कॉल करता है आपके नंबर पर, जियो नंबर पर, तो उसको वो रिंग के जगह पर उसको वही गाना सुनाई देगा, उसको कॉलर ट्यून कहा जाता है। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तीन तरीका है, तीनों तरीका बताऊंगा। प्लीज पूरा वीडियो देखिएगा, नहीं तो आधा अधूरा देखिएगा तो कोई फायदा नहीं होगा आपको। ठीक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर में जाकर जियो सावन सर्च करना है, ये मोबाइल एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है जियो का। ठीक है, मैंने इंस्टॉल किया है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। देख सकते हो इस तरह का एप्लीकेशन है। ठीक है, ये आपको इंस्टॉल कर, ये मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें से कोई सॉन्ग जो भी आपको पसंद है, कोई भी सॉन्ग जो है आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखिए जो सॉन्ग कॉलर ट्यून को सपोर्ट करता है वही सॉन्ग होगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो भी सॉन्ग लगा दीजिए सब में कॉलर ट्यून सेट हो जाएगा। जो सॉन्ग में कॉलर ट्यून के लिए ऑप्शन होगा वही हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये देख रही है गाना है आई एम डिस्को, मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है, क्लिक करना है इसको। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए इस गाना के सामने आपको तीन डॉट दिखाई दे रहा है, इस तीन डॉट के ऊपर में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सेट एच जियो सोन जियो टोन। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये आपका स्मार्टफोन पर जियो सिम के लिए भी और जियो फोन दोनों के लिए हो जाएगा। जियो फोन पर कैसे करना है, जियो फोन पर आप जो है स्टार्ट करना, जियो स्टोर में जाना, वहाँ पर आपको जियो सावन का एप्लीकेशन मिलेगा। अगर इंस्टॉल नहीं किया है तो उसको इंस्टॉल कर लेना, और इंस्टॉल करने के बाद आप उसको ओपन करके जो भी गाना चाहो इस तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप उसको सेट कर सकते हो। ये पहला तरीका है जो बता रहा हूँ, इसके बाद दो तरीका और बताऊंगा, अभी वीडियो पर बने रहिएगा। तो यहाँ पर देखिए सेट एज जियो ट्यून है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए आ गया सेट जियो टोन, इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके जियो के नंबर पर आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका जियो ट्यून जो है कॉलर ट्यून जो है सेट हो चुका है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि अभी इसको सेट नहीं करता, मेरा पहले से ही ऑलरेडी सेट है, मैं उसको बदलूंगा फिर दोबारा उसको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए हो, ये पहला तरीका। चलिए दूसरा तरीका बता देता हूँ। पहला तरीका क्लियर हो गया है, जियो फोन में जाके आप जियो सावन का एप्लीकेशन जियो स्टोर में मिल जाएगा, इंस्टॉल करके जैसे मैंने आपको बताया वैसे कर लीजिए। ये स्मार्टफोन और जियो फोन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब देखिए दूसरा तरीका, दूसरा तरीका में क्या है आपका, आपको एक SMS करना होगा। ठीक है, आप जियो फोन से कर सकते हो आसानी से SMS। आपको मूवी नेम जो भी लिखना है, ठीक है, मूवी नेम मूवी लिखना पहले, उसके बाद स्पेस देके मूवी नेम लिखना, जो भी मूवी नेम है उसको जो है 56789 पर आप जो है मैसेज कर देना, या फिर कोई एल्बम नेम है तो एल्बम लिखना, उसके बाद स्पेस देके एल्बम का नेम लिखना, और उसको आप जो है इस नंबर पर आप SMS कर देना। ठीक है, या फिर आप सिंगर के माध्यम से भी कॉलर ट्यून सेट कर सकते हो, सिंगर लिखना, उसके बाद सिंगर का नाम लिखना और इस नंबर पर आप सेंड कर देना। जैसे ही आप करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक SMS आपको रिसीव होगा, उसमें आपको सारा इंस्ट्रक्शन रहेगा, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप अपना फेवरेट जो भी कॉलर ट्यून है आप यहाँ पर जो है लगा सकते हो। जैसे कि इस तरह का आप जो है आप देख सकते हो स्क्रीन पर इस तरह का मैसेज आपको आएगा, उसको आपको सेट करना पड़ेगा मैसेज को पढ़ते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर जियो फोन को ओपन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, आपको पता है अगर मैं कैमरा से भी उसको फोटो खींच के मैं आपको दिखाऊंगा तो वो बिल्कुल धुंधला दिखेगा, वो छोटा सा होता है, इसलिए उतना आपको, इसलिए मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आप प्लीज जो है इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आपने जियो फोन के ऊपर कॉलर ट्यून को आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ये आपका हो गया दूसरा तरीका। अब समझ लीजिए तीसरा तरीका क्या है।
तीसरा तरीका में क्या होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, तीसरा तरीका में ये है कि आप जो है किसी नंबर पर फोन करो, कोई जियो नंबर हो, ठीक है, कोई भी जियो नंबर फोन पर फोन करो जिसका पहले से कॉलर ट्यून सेट होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले देखिए मैं बताता हूँ इसमें क्या होगा। जब आप किसी जियो फोन पर कॉल कीजिएगा जिसका पहले से कॉलर ट्यून सेट है, मान लीजिए आप किसी को फोन कर रहे हो, तो अगर उसका कॉलर ट्यून सेट है तो आपको उसका गाना सुनाई देगा, ठीक है। तो आपको अगर वो गाना पसंद है, आपको वही कॉलर ट्यून सेट करना है, तो आपको क्या करना है कि आपके मोबाइल पर जो स्टार बटन है जियो फोन के ऊपर, जो आपका कीबोर्ड पर स्टार बटन है, उसको आपको प्रेस करके थोड़ा देर रखना है, ठीक है। जैसे ही आप उसको प्रेस करके रखोगे, आपको एक SMS रिसीव होगा, इस तरह का SMS रिसीव होगा। उस SMS में जो है आप जो है उसको पढ़िएगा, उसमें वाई लिखकर जो है उसका रिप्लाई कीजिएगा, आपका कॉलर ट्यून वही वाला सेट हो जाएगा जो कि आपने अभी मोबाइल पर सुना है अपने फ्रेंड का, जिसको भी आपने फ़ोन किया, अपने फ्रेंड को किया हो या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स किया हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही सेम सॉन्ग जो है कॉलर ट्यून के रूप में आपके नंबर पर एक्टिवेट हो जाएगा, चाहे आपका जियो फ़ोन हो, चाहे आपका जियो सिम हो, चाहे वो आप स्मार्टफोन पर यूज कर रहे हो, चाहे जियो फ़ोन पर यूज कर रहे हो, आप इससे कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तीन तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने जियो फोन के ऊपर में अपना कॉलर ट्यून लगा सकते हो, ठीक है। इसके साथ ही मैंने आपको शुरुआत वाले में भी बताया, पहला जो बताया तरीका उसमें आप स्मार्टफोन पर भी उससे आप कर सकते हो, ठीक है। पहला वाला तरीका जो है वो स्मार्टफोन पर भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप अपना कॉलर ट्यून को आराम से सेट कर लीजिए, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होगा। और दोस्तों जियो से रिलेटेड मेरा वीडियो का प्लेलिस्ट लिंक मैं यहाँ पर दूंगा आई बटन में, उसको क्लिक करके आप उसका वीडियो वॉच करना, आपका नॉलेज बढ़ेगा। और दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, एडवाइस हो तो भी कमेंट करें। किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, सारा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको फॉलो करें। अगर आप मुझसे फ़ोन पर बात करना चाह रहे हो तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से इंस्टॉल करके मुझसे बात कर सकते हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में नोटिफिकेशन बेल होगा उसको दबा दीजिए, ताकि मेरे इस तरह के लेटेस्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उसको जल्द से जल्द आप जो है वॉच कर पाओगे। दोस्तों दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।